हाय स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या तो वो 2020 का नीट लिख चुके हैं या 21 का नीट लिखेंगे, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट। जो 20 के बच्चे हैं उसमें दो कैटेगरीज के बच्चे ये पेपर देखने वाले हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो 21 का अटेम्प्ट फिर से लिखेंगे या अभी वो कन्फ्यूज हैं कि हम 21 के लिए वेट करें या हम क्या करें। नाउ थ्री थिंग्स फटाफट से मैं आपसे बात करता हूँ। अभी ऑलरेडी पूरा टीम वर्कआउट कर रहा है कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्या रैंक, क्या कॉलेज, द टीम इज वर्किंग ऑन दैट पैरेलली। बट वन थिंग आई वुड टेल यू हियर, देर आर पीपल मैसेजिंग कि सर अगर मैं 21 का वेट करूँ तो क्या 21 का पेपर इससे आसान होगा, क्या कट ऑफ इससे ज़्यादा होगी, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फॉर दैट ओनली आई हैव कम टू टेक दिस वीडियो सेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पेपर एक वो चीज़ होती है जो कभी भी डिटरमाइन नहीं की जा सकती। इट इज़ कम्प्लीटली एन इनडिटर्मिनेट प्रोसेस। येस, इफ यू कुड नॉट परफॉर्म इन 2020 बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्जाम होना था, सेप्टेम्बर में हुआ है, पिछले 5 महीने में ठीक है हमें टाइम मिला पढ़ने के लिए, बट इतना अच्छा मूड में हम नहीं पढ़ पाए। लॉकडाउन था, कोई बाहर जाने का टाइम नहीं था, देर वॉज नो फन, कुछ था नहीं लाइफ में, तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। तो क्या हम 21 के लिए तैयार हैं, ये हमें सोचना है। तो क्या हम 21 के लिए तैयार हैं, ये हमें सोचना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम 21 के लिए तैयार हैं तो ऐसा हमने 20 में क्या देखा जो हमें 21 के लिए तैयार कर रहा है। केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करूंगा सिर्फ वीडियो में। 20 का जो केमिस्ट्री का पेपर आया, अगर आपने किया है 20 का पेपर, 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से आए थे, ठीक है। पेपर एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द उड़ान लाइव, उड़ान जो चैनल है, बट 45 में से 35 एनसीईआरटी में से। और अगर आप देखेंगे, अगर आप जुड़े हुए थे हमारे 20 की प्रिपरेशन के लास्ट वीडियोस में 15 दिन में, तो 15 दिन में हमने क्या किया, हमने सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज की थी, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। और उसके बाद हमने क्या किया, जो कंसेप्ट थे जो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं थे वो हमने क्वेश्चंस के साथ पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। और जो पेपर हमने फ्राइडे को किया एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले, 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर किए, 50-50 क्वेश्चंस के, उसमें से क्वेश्चन सीधा उठ के आ गया एग्जाम में, बताइए, सीधे एग्जाम में उठ के आ गया। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज पेपर अगर आसान था, कट ऑफ हाई जाएगी, सबके लिए जाएगी। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए आसान था, मेरे लिए मुश्किल था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वॉज ईजी फॉर ऑल, मार्क्स वी विल गेट एज पर आर ओन प्रिपरेशन, ठीक है। पेपर वॉज ईजी फॉर ऑल, मार्क्स वी विल गेट एज पर आर ओन प्रिपरेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम इस भरोसे पे कि पेपर इस बार आसान है तो 21 में मुश्किल आएगा या 21 में आसान आएगा, हम क्या करें। क्वेश्चन तो लॉजिकल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आज की डेट में आपके पास नहीं होगा। वाई आई वुड टेल यू, मे बी 20 का पेपर आसान इसलिए आया, मे बी क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, पेपर थोड़ा सा आसान कर देते हैं, मे बी 21 के पेपर में शायद वो सिचुएशन ना हो, हो सकता है कोई और सिचुएशन आ जाए, नोबडी नोज व्हाट इज द फ्यूचर। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि अगर हम 15 दिन की तैयारी करके, अगर हमने पिछले 15 दिन एग्जाम से पहले पढ़ा था, अगर हम जो स्कोर आज ला रहे हैं अपने एग्जाम में, अगर हम भी यही मेहनत पूरे 4-5-6 महीने डेडिकेटेडली करते, तो सोचिए ये स्कोर कहाँ जाता, सोचिए ये स्कोर कहाँ जाता। तो अगर ये स्कोर हम सोचते तो केमिस्ट्री में आउट ऑफ 45 × 4 180 नंबर की केमिस्ट्री आई थी। मेरे पास इतने बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो हमने पिछले 15 दिन में पढ़ा उसके बाद मेरा स्कोर 140 प्लस आ रहा है, 140 प्लस 15 दिन की पढ़ाई में, यार 15 दिन में 140 नंबर आ रहे हैं, बताइए। तो अगर ये आपने डेडिकेटेडली तैयारी करी होती अगर, तो सोचिए केमिस्ट्री आपका स्कोर को कहाँ से कहाँ ले जाता। बट कोई बात नहीं, आई गेस जो बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं उनमें से काफ़ी बच्चों ने केमिस्ट्री एग्जाम में बहुत अच्छा भी किया होगा। लेकिन अगर हम पी सी बी में से हम बी और पी को अच्छा नहीं कर पाए या सी को अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास एक लाइफ में चांस है कि यार एक साल में तैयारी करके, क्योंकि अब तो एक साल भी नहीं है, अगला एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई जो अभी के हिसाब से शेड्यूल है, भगवान करे कि ये कोरोना वाला टाइम जल्दी ख़त्म हो आपके लिए भी हमारे लिए भी, बट देन अभी शेड्यूल के हिसाब से अप्रैल मई के आसपास आपका अगला नीट हो जाएगा। You have 6 to 7 months, 7 months, 6 months
जितना भी आप मान लीजिए। तो उस केस में अगर आपको पढ़ना है तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी यार, फिर तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत करने के लिए ही हम लोग आपके साथ कल से लग जाएंगे। 16 सितंबर ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अगेन ऑन उड़ान, बोथ यूट्यूब लाइव एज वेल एज ऑन दी ऐप। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, अपना कोर्स परचेज कर लीजिए, इट इज़ एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्या है उसमें। बट देन कल से रोज शाम को ऑलमोस्ट 5 से 9, जो कि टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सेशंस होंगे। डेली मिनिमम 5 डेज अ वीक मिनिमम आपको पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और नीट के एकदम टफेस्ट लेवल तक पढ़ाएंगे, इजी से टफेस्ट तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि सर मैं तो नहीं मेहनत कर सकता या मैं तो मेहनत नहीं कर सकती, तो यार अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ड्रॉप करने का फायदा भी नहीं होगा, फिर फायदा नहीं है। अगर हम डेली अब ना पढ़ पाए 21 के नीट के लिए तो फिर हमारे ड्रॉप करने का फायदा ही नहीं होगा। और अगर आप डेली पढ़ सकें तो कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल से जब हम शुरू हो गए तो फिर 21 का नीट हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आएगा, क्योंकि 21 के नीट में मैं स्टार्ट टू एंड हर चीज पढ़ूंगा, हर चीज पढ़ूंगा। तो अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है, आई नो हमारे एग्जाम अगर अच्छा नहीं हुआ है तो हमें अभी बहुत डेडिकेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज समझाया, 3 ही शब्दों का खेल है यार तैयारी, सिर्फ 3 शब्दों का, एबिलिटी मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, 3 शब्द हैं सिर्फ। एबिलिटी आपकी, मोटिवेशन हमारा, एटीट्यूड अगर आपका एग्जाम वाला बन गया तो फिर आप कमाल कर देंगे। एबिलिटी आप में है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। मोटिवेशन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपसे रोज 1 घंटा 1 घंटा रोज आपसे केमिस्ट्री की बातें करने आऊंगा तो यू रियलाइज कि हम आपको एग्जाम लायक इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना तैयार कर देंगे कि आप सोचेंगे कि एग्जाम तो मक्खन होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये समझ लेना कि जो पढ़ा दिया जाएगा क्या उससे कट ऑफ हाई जाएगी नीचे जाएगी, आपका काम है प्रिपेयर करना, आपका सिर्फ काम है प्रिपेयर करना। आपका काम ये सोचना है ही नहीं कि अगले साल कितना कट ऑफ जाएगा। द डे यू आर प्रिपेयर्ड कट ऑफ विल नॉट मैटर टू यू, समझ रहे हैं? नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ऐप डाउनलोड, आई कैन जस्ट टेल यू। होगा क्या कि जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऑब्वियसली डेली सेशंस तो आपके होंगे ही जो कि आप अटेंड कर सकते हैं, बट द प्राइसिंग ऑफ द ऐप इज सच कि जो अगले 6 महीने की पढ़ाई है वो आपको 500 रुपये महीना से भी कम में मिल रही है। 500 रुपये महीना, समझ रहे हैं? 500 रुपये महीना मतलब 20 रुपये दिन, उससे भी कम। 20 रुपये में आपको 3 फैकल्टीज डेली 1-1 घंटा पढ़ाने आ रहे हैं 20 रुपये में, सोचिए। अगला कितना इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, 20 रुपये में क्या क्या फालतू बातें हो रही हैं, बट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जो टीचर्स इस फोरम में पढ़ा रहे हैं आपको, दे ऑल आर वर्किंग समवेयर, दे ऑल आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइव्स। व्हाई दे आर टीचिंग इज बिकॉज दे हैव अ पैशन टू टीच, सिंपल, दे आर पैशनेट टूवर्ड्स टीचिंग। द ग्रुप ऑफ टीचर्स हु विल टीच यू, डॉक्टर पीयूष फिजिक्स, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर रजत बायो बायोलॉजी, एंड मी माई सेल्फ निखिल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सो आई विल टीच यू केमिस्ट्री। द ओनली थिंग इज there are some discounts running on the Udaan app subscription, so you can download that at a very attractive price. The team has tried to make it affordable for each and every student watching this video, each and every student. जो बच्चा 12th में है, 11th में है, जो अभी शायद नीट के बारे में नहीं सोच रहा, आप भी इस ऐप को खरीद लीजिए, क्योंकि आपको CBSE में बहुत हेल्प आएगी, क्योंकि NCERT तो यहाँ हम अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे बच्चों, अंडरलाइन कर करके एक एक पॉइंट जो एग्जाम इस पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, वो यहाँ पे होगा। अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जो नीट की तरफ नहीं है, जो शायद PCMB वाला बच्चा है या PCM वाला बच्चा है, वो भी ये ऐप खरीद ले PC के लिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ पढ़ के पढ़ाई जाएगी, मतलब एक एक लाइन अंडरलाइन कराएंगे हम लोग, समझ रहे हैं ये चीज? तो बहुत बहुत काम की ऐप है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एज आई टोल्ड यू इट इज ऑन लेस देन 500 अ मंथ, less than 500 a month.
इतने प्राइस में इतना माल, इतना सामान मिल जाएगा यार पढ़ने के लिए। हर वीकेंड पेपर्स होंगे, हर चैप्टर का डीपीपी होगा, हर चीज होगी, हर चीज होगी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ऑलरेडी हम दे चुके हैं। मतलब सोचिए कि आप स्टार्टिंग से ही हर वीकेंड तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लेंगे, मे बी एक महीने बाद जो पेपर है उसमें 20,000 बच्चा एक साथ बैठा होगा पहले पेपर में, 20,000 बच्चा। तो मैं हर टाइम जज कर सकता हूँ कि मेरी तैयारी कहाँ पे पहुंची है, हर टाइम। एंड हर एक पेपर के साथ मैं अपनी रैंक +10 +10 +10 करता रहूं, अपना स्कोर +5 +5, एक एक क्वेश्चन +4 +4 भी अगर मैं हर पेपर में आगे बढ़ता रहा, तो सोचिए आज से 6 महीने बाद मेरा स्कोर कहां पहुंच जाएगा कंपेयर टू आज मैं जहां पे हूं। नाउ दिस इज द टीम दैट इज गोइंग टू टीच यू, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर रजत प्लस डॉक्टर प्रवीण विल टेक बायो, मेजोरिटी सेक्शन बाय डॉक्टर प्रवीण, एंड केमिस्ट्री विल बी टेकन बाय मी। Okay. Now all of us as a team, we have come together. All of us are into certain professions, renowned professions. We are there to teach you because we have the passion towards teaching. आप चेक करिएगा जो हमारे पिछले वीडियोस हमने एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले बच्चों के लिए लाइव हैं यूट्यूब पे, हाउ बेनिफिशियल दे हैव बीन। यू रीड द कमेंट्स देयर, यू विल बी शॉक्ड टू सी कि इतने शॉर्ट टर्म में इतना प्रिपरेशन कोई कैसे करा सकता है। We have given our day and nights working for the people for 2020 batch. Obviously, we'll do the same for 21 also. Gradually, we want you to start. We want you to start daily live classes and everything is there on your doorstep. So just download the app, pay for the subscription of the app, get yourself involved in the batch that is starting tomorrow, 16 September, 16-09-2020. 16 September 2020, course start होने वाला है कल से। लाइव कोर्स ऐप पे बिल्कुल क्लासरूम कोर्स की तरह पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छे मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम रेनाउंड इंस्टीट्यूट मटेरियल, वी विल डू इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एकदम एनसीईआरटी लेवल, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन द मटेरियल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। नाउ the decision is yours. If you have to start, start immediately. I know abhi bahut motivation nahi hai, parso hi paper hua hai, pata nahi yaar bahut confusion hai zindagi mein. It happens with us also. Jab hamara exam ka time tha, it happened with us also. Koi problem nahi hai. What I am telling you is, agar hum din mein agar 1-1.5-2 ghanta bhi ab se padhna shuru kar dein, kyunki hame kuch nahi karna, hum aapko padhane aa rahe hain, aapke gate pe padhane aa rahe hain aapko. आपको सिर्फ शाम को हमें से लॉग इन कर लेना है ऐप में, एंड वी आर देयर टू टीच यू लाइव। आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, टेलीग्राम आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ प्राइस व्हिच इज less than 500 अ मंथ। वी विल डिवाइस ऑल द स्ट्रेटजीज दैट आर रिक्वायर्ड, ऑल द स्ट्रेटजीज। पर्सनली व्हेन वी इंटरैक्ट फॉर केमिस्ट्री सेशंस, वी विल बी ओपन टू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस। केमिस्ट्री व्हाट लेवल, ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक, सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, कन्वर्जन नहीं हो रहे, नेम रिएक्शंस, एवरी डाउट, क्योंकि हर साल बच्चे पूछते हैं, इस साल भी बच्चों ने लास्ट 15 दिन में सब पूछा, एंड वी ट्राइड टू क्लियर ऑल ऑफ देम। अभी तो हमारे पास 15 दिन की बजाय 4 महीने हमें मिल रहे हैं, 5 महीने हमें मिल रहे हैं। 15 दिन, 5 महीने, 5 महीने इज 150 डेज, 10 times द टाइम यू हैव इफ यू स्टार्ट टुमारो विद अस, 10 times द टाइम। सोचिए कितना कितना बड़ा मौका मिल रहा है हमें, 10 times द टाइम में। आई विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री टू द 10 times द लेवल ऑफ व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 15 डेज, एंड दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स। डॉक्टर पीयूष विल कॉन्ट्रीब्यूट एवरीथिंग टूवर्ड्स फिजिक्स, एंड डॉक्टर प्रवीण विल ऑब्वियसली डू द बेस्ट इन बायो। वी आर ओपन टू ऑल द सेशंस, वी विल बी लाइव ऑल्सो इन सम टाइम टूडे इटसेल्फ टू डिस्कस ऑन मार्किंग, मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रेटजी फॉर द नीट 21। We will be there discussing. So now it all depends on you. You wish to take a call. Do we have to go ahead or we don't have to go ahead? In case you wish to wait and see the result of 2020, आप रुक जाइए, कोई problem नहीं है, लेकिन marks को total करने के बाद ही रुकिएगा, क्योंकि अगर marks को total नहीं किया उसके बाद अगर हम vaguely wait कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। But yes, 2020 में अगर हम कुछ भी अपने लेवल पे स्कोर कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ मोटिवेशन हम अच्छा नहीं कर पाए, एंड अगर हमारे पास स्कोप है 2021 का, आप कल से ही हमारे साथ जुड़िए
एंड वी विल रॉक द एग्जाम. फाइन स्टूडेंट्स, सी यू अप टुमारो लाइव अगेन फॉर द फर्स्ट क्लास ऑन मूल कंसेप्ट. बेसिक्स ऑफ मूल कंसेप्ट विल स्टार्ट अगेन, क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया है, तीन चार सेशन हमने किए हैं मूल कंसेप्ट पे. सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन फर्स्ट. वी विल डू वेरी डिफरेंट थिंग्स, वेरी इनोवेटिव थिंग्स. वी विल हैव विल डिराइव फॉर्मूलाज जो हमें याद करने में बहुत ईजी हो जाएंगे. एंड इट्स गोना बी अ वंडरफुल सेशन. ठीक है, सो प्लान योर टाइम एंड गेट योर सेल्फ स्टार्टेड. आई होप इफ नॉट 2020, 2021 will bring us in shining colors and it will be good for all of us. Guys, okay guys, thank you so much. See you tomorrow.